सभी शिक्षकगण को मेरा नमस्कार। मेरे पेपर का टॉपिक है ऐतिहासिक स्रोतों के आधार पर विविध ऐतिहासिक चरणों में जम्मू कश्मीर की महिलाओं की परिस्थिति तथा योगदान। भारत के अन्य विभिन्न भागों के समान ही जम्मू कश्मीर की महिलाएं भविष्य के संदर्भ में अपने बदले हुए दृश्य की कल्पना करती है, जिसमें उनकी स्थिति पहले से बेहतर होती दिखती है, एक अर्थ में बदली हुई किस्मत और स्थिति का स्वप्न देखती हैं। कश्मीर में एक समय महिला शासिकाएँ जैसे रानी दीदा, रानी कोटा देवी काफ़ी महत्वपूर्ण शासिका रही हैं, परंतु जैसा कि सर्वविदित है विकास की धारा जो है सदैव एक समान नहीं रहती है। इसी परिप्रेक्ष्य में जम्मू कश्मीर की महिलाओं की स्थिति में भी हमें आगे चल के थोड़ा हास दिखाई देता है। कश्मीर राजवंशों की परंपरा में एक भाग यह भी था कि किसी भी शासक के राज्याभिषेक के समय उसकी रानी की उपस्थिति अनिवार्य होती थी, जैसे कि हमारे प्राचीन काल में एंशिएंट पीरियड में हमें ये सब देखने को मिलता है और उसे इस उत्सव में आगे बढ़कर भाग लेना होता था। रानी को शाही दरबार के राजा के साथ सिंहासन पर बिठाया जाता था। राजा भी प्राय सर्वोच्च व सर्वशक्तिशाली होने के बाद भी अपनी नज़दीकियों मीन्स के रानी या महारानी से सलाह लेना भी आवश्यक समझते थे। स्मृतियों के काल के बाद में महिलाओं के प्रति शास्त्र विरोधी कथनों के मतलब कुछ विरोध या कुछ हास दिखाई देने लगा हमें। 9वीं-10वीं शताब्दी के तक आते आते कश्मीरी राजवंशों पर बौद्ध धर्म का विस्तृत प्रभाव हमें देखने को मिलता है। यद्यपि निम्न वर्ग की लड़कियों के लिए शिक्षा हेतु मठ व विद्यालयों के द्वार बंद थे, तथापि उच्च वर्णीय स्त्रियों को प्रबुद्ध जनों की संगत में बेहतर मानसिक और सांसारिक ज्ञान प्राप्त करने के मार्ग खुले हुए थे। आगे चलने के बाद सती प्रथा अपने क्रूरतम रूप में जम्मू कश्मीर में हमें दिखाई देती है। सती प्रथा के होने और विधवा पुनर्विवाह की अनुमति ना होने के बाद भी यह एक सुखद तथ्य हमें दिखाई देता है कि प्रत्येक महिला मध्यकाल में भी अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह कर सकती थी। उसे पति से अलग होने का अधिकार भी था तथा तार्किक आधार पर अपने पति की सहमति के साथ वह तलाक भी ले सकती थी। 14वीं सदी के मध्य में जम्मू कश्मीर की अंतिम हिंदू शासिका एक कोटा देवी हुई हैं, जिसमें अहंकारी शासक सहमीर ने उन्हें अपदस्थ कर दिया था। कोटा देवी की मृत्यु ने जहां हिंदू राजवंश को समाप्त किया, वहीं जम्मू कश्मीर की महिलाओं की स्वाधीनता, रानियों के शासन और कुल मिलाकर महिलाओं के प्रति उदारता का जो युग है वो हमें समाप्ति की ओर दिखाई देता है। एक अन्य शासक सिकंदर बुतसिकन, जैसे कि नाम से ही विदित हो रहा है कि मतलब मूर्ति भंजक थे वो, के शासनकाल में महिलाओं की स्वतंत्रता व उनके सामाजिक स्तर पर सर्वाधिक कठोरतम प्रहार किया। सिकंदर के समय में अनेक मुल्ला, मौलवी और आलिम कश्मीर में आमंत्रित किए गए, जो सामाजिक ढांचे के निर्माण में कट्टर इस्लामी नियमों के पालन को अत्यंत महत्वपूर्ण तथा अनिवार्य मानते थे। स्त्रियों को पूर्णतः पुरुषों पर आश्रित बना दिया गया, उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। हजारों सालों से हिंदू समाज में प्रचलित जो पर्दा प्रथा जम्मू कश्मीर के लिए अनजान थी, मुस्लिम शासकों के आने के बाद वो ज़्यादा प्रकाश में आई। मौलवियों के आदेश पर उसे मुस्लिम समाज में अनिवार्य बना दिया गया। आगे हम देखते हैं अफगान शासनकाल में बच्चियों को मैला कुचैला मतलब वो उन्हें काफ़ी साफ सुथरी कंडीशन में नहीं रखते थे, क्योंकि जो विदेशी थे वो उन पर गलत निगाह ना डालें, इसलिए उन्हें थोड़ा मतलब गंदी मैला कुचैला स्थिति में रखने लगे। बदसूरत रहने को विवश किया जाने लगा ताकि शैतान अफगान उनकी नज़रों से जो लड़कियाँ थीं वो दूर रह सकें। सिख शासनकाल में भी महिलाओं की पवित्रता को उनकी यौन शुचिता के साथ जोड़ दिया गया। इस काल में यह मानसिकता घर कर गई कि महिलाओं का इतना दमन हुआ है कि अब उनका उभरना कठिन महसूस होने लगा था। डोगरा शासन में श्रीनगर तथा भारत के अन्य भागों में जम्मू कश्मीर की लड़कियों को बिक्री के लिए भेजा जाता था। मैं मतलब मेन पॉइंट ये दिखाना चाहूँगी, यह सब सरकारी नियंत्रण में बदनाम व्यक्तियों व राजघरानों द्वारा किया जाता था। महाराजा रणजीत सिंह के समय में 15 से 21 वर्ष के मध्य की कश्मीरी लड़कियां, जो 15 से 21 वर्ष की जो लड़कियां थीं, उन्हें 100 चिल्की रुपयों में सरकारी अनुमति से खरीदा जा सकता था। 1880 में महाराजा को उसकी रियासत की सकल आय का 25 से 20% भाग सरकारी नियंत्रण वाली वेश्यावृत्ति से प्राप्त होता था।
यह भी राज्य के दस्तावेजों में दर्ज है। मैं इसका मतलब रेफरेंस भी देना चाहूँगी, मैंने कहाँ से लिया है, रॉबर्ट थार कश्मीर मिस गवर्नमेंट सिडविक एंड जैक्सन लंदन, ये मतलब बुक्स मैंने जो कोड की है। यह भी राज्य के दस्तावेजों में दर्ज है कि 1880 के वर्ष में जम्मू कश्मीर में 1875 राज्य के यौन कर्मी थे जिनकी फरोख्त राज्य के द्वारा ही नियंत्रित और संचालित होती थी। इन वैश्याओं का जीवन पूर्णतः शासन द्वारा नियंत्रित था और उनकी मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति सरकार द्वारा जब्त कर ली जाती थी। इतनी निम्न स्थिति में उनकी स्थिति आ चुकी थी। यह आश्चर्य का विषय है कि इन वैश्यालों के विरुद्ध कभी भी कोई सामाजिक सुधारक ने कोई आवाज़ नहीं उठाई थी या कोई आंदोलन नहीं चलाया गया था। किसी धार्मिक व्यक्ति या संगठन ने भी उस बुराई की ओर ध्यान नहीं दिया था, जबकि लगभग सभी धर्म वैश्यावृत्ति व्याभिचार का विरोध दंडात्मक रूप से कर रहे थे। 1930 के दशक में मोहम्मद सुभान नायद नाम के एक व्यक्ति हुए हैं जो मुसैमा की निवासी थी। यह अवैध व्यापार के विरुद्ध संघर्ष आरंभ किया और यह उसी के संघर्षों का नतीजा था कि 1934 में जम्मू कश्मीर की सरकार के महिलाओं के अवैध व्यापार जबरन वैश्यावृत्ति पर रोक लगाने का कानून निर्मित किया तथा राज्य के सभी वैश्यालयों को बंद कर दिया गया। भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना के साथ ही पश्चिमी आधुनिक विचारों भारतीय पुनर्जागरण में मतलब उत्थान में ब्रिटिश साम्राज्य के जो कर्मचारी थे उन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मिशनरियों ने छोटी उम्र के बच्चे बच्चियों की शिक्षित करने का एक प्रयास आरंभ करके सुधारों को गति प्रदान की। वर्षों की कड़ी मशक्कत के बाद 1881 ईस्वी में जाकर श्रीनगर के सरकारी अस्पताल में लड़कियों का एक प्रथम स्कूल खुला, मतलब एक अस्पताल था उसे ही एक स्कूल के रूप में उन्होंने स्थापित किया। इस मॉडर्न स्कूल के संस्थापक J.H. नोल्स के बाद में टिंडेल बिस्कोई का भी उन्हें उनके साथ से उन्होंने ये स्कूल शुरू किया। एक ही वर्ष में छात्रों की संख्या 250 के पार पहुंच गई थी। 1893 से 1895 के मध्य फतेह कादिल में लेडीज़ मिशन के द्वारा एक महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। 1912 में श्रीमती फीड्स ने भी श्रीनगर में एक विश्वविद्यालय का आरंभ किया। 1916 तक श्रीनगर के विश्वविद्यालयों में महिलाओं की रुचि बढ़ने लगी थी। 1918 में फतेह कादिल को मिडिल स्कूल का दर्जा दे दिया गया और प्रतिवर्ष 8400 रुपये का अनुदान भी स्वीकृत कर लिया गया। इस्लाम के भीतर व्याप्त कुरीतियों के कारण मोहम्मद रसूल उन्हें दूर करने की ओर अग्रसर हुए। शिक्षा को इसका मुख्य अस्त्र मानते हुए उन्होंने अंजुमन नुसरतुल इस्लाम एक नामक शिक्षण संस्था खोली। 1899 ईस्वी में स्थापित यह संस्था आधुनिक प्रणाली की शिक्षा व्यवस्था को स्थापित कर रही थी। मैं निष्कर्ष बोलना चाहूँगी, लास्ट थोड़ा टाइम ले सकते। रूढ़िवादिता पर बहुत असर नहीं हो पाया था, इस कारण पंडित उच्चवर्गीय हिंदू उच्चवर्गीय मुस्लिम आदि समूह नए विचारों को अपनाने में अपना योगदान नहीं दे रहे थे। जो लोग संघर्ष में भाग ले रहे थे उनमें शिक्षितों की संख्या भी कम थी। ऐसे में संघर्ष के लिए नींव का काम उस कामगार वर्ग की महिलाओं ने किया जो विगत 600 वर्षों से कट्टर मुस्लिम शासन में भी अपने हितों के लिए संघर्ष से डटी रही थी। ये वो समूह था जो ना तो पर्दा अपनाने की बाध्यताओं को मानता था और ना ही पुनर्विवाह से दूर रहता था। यह सच है कि इस समूह में महिलाओं की संख्या ज़्यादा थी। यह समाज का वो भाग था जो हर सुविधा से विहीन था। इस आंदोलन ने जम्मू कश्मीर को एक नया नेतृत्व शेख अब्दुल्ला के रूप में प्राप्त हुआ। शेख अब्दुल्ला की लोकप्रियता में महिलाओं के जन समर्थन का बड़ा योगदान था। आंदोलन की तीव्रता के कारण महाराजा हरि सिंह ने 1932 में संवैधानिक सुधार आयोग, 1933 में मताधिकार आयोग की स्थापना की घोषणा की। इसके द्वारा जम्मू कश्मीर को अपना संविधान प्राप्त हो सका। 1934 में पहली बार जम्मू कश्मीर के लोगों को उनमें थोड़ी सी संख्या में महिलाएँ भी थी मताधिकार प्राप्त हुआ। यह सार्वजनिक मताधिकार था जो भारतीय विद्वानों से पूर्णतः मेल खाता था। जम्मू कश्मीर की महिलाएं भी यह अब संपत्ति या विशिष्ट शिक्षा को के बिना मतदान की अधिकारिणी बन गई थी। इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो जम्मू कश्मीर की महिलाओं को समानता का अधिकार विस्तृत रूप से मिला हुआ था और नया कश्मीर योजना के तहत किया गया सबसे महत्वपूर्ण प्रयास था। यह संपूर्ण कार्यक्रम भारतीय उपमहाद्वीप
महिला स्वायत्तता को लेकर चलने वाला अपने किस्म का इकलौता कार्यक्रम था जो राज्य में डोगरा शासन के अंत और स्वाधीनता के बाद की महिलाओं की राजनीतिक इच्छाओं का श्रेष्ठतम प्रतिरूप होता। परंतु दुर्भाग्यवश कश्मीर पर पाकिस्तान प्रायोजित कबायली आक्रमण ने स्थिति को पूर्णतः परिवर्तित कर दिया था। यह आक्रमण शीघ्र ही भारत और पाकिस्तान के मध्य पूर्वकालिक युद्ध में बदल गया था। युद्ध के समय जम्मू कश्मीर राज्य में महिलाओं की प्रथम बटालियन मुक्ता एक महिलाओं की बटालियन थी का गठन किया गया। इस प्रकार के वातावरण में महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को भारत के साथ अधिमिलन पर हस्ताक्षर कर दिए। इसमें जम्मू कश्मीर राज्य को भारत का अविभाज्य हिस्सा स्वीकार करके भारतीय संविधान द्वारा प्रशासित क्षेत्र मान लिया गया। इसका आशय यह था कि भारत के निवासियों पर लागू होने वाले मूल अधिकार यथा स्वतंत्रता, समानता आदि पूर्णतः जम्मू कश्मीर के निवासियों और विशेषकर वहाँ की महिलाओं पर लागू होंगे। राजनीतिक संयंत्रों के माध्यम से निर्मित धारा 370 और उसका प्रशासित करने वाले अनुच्छेद 35A के द्वारा इन उम्मीदों को धक्का पहुंचाया गया और जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे के नाम पर राज्य की अल्पसंख्यक आबादी और महिलाओं के साधारण मानवाधिकारों यथा मर्जी के विवाह करना या राज्य में कहीं बसना आदि से वंचित कर दिया गया। 1980 के दशक में राज्य में उग्रवाद का जो दौर आरंभ हुआ उसने सामाजिक स्थितियों को बुरी तरह से बदल दिया। आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जम्मू कश्मीर राज्य की महिलाएं आज उग्रवाद के कारण मानवाधिकारों के हनन की सबसे बड़ी पीड़ित हैं। प्रत्यक्ष हिंसा, बलात्कार के सीधे घावों को झेलती जम्मू कश्मीर की महिलाएं विधवा, अर्धविधवा, ऐसी स्त्रियां जिनके पति गायब हो गए हैं, मिले ही नहीं, उसको अर्धविधवा का नाम दिया गया है का जीवन जीने के लिए बाध्य कर दिया गया। जम्मू कश्मीर की महिलाएं राज्य की महिलाओं को दुख मनाती माँ, शहीद माँ, बलात्कार की पीड़ित माँ के रूप में पहचाना जाता है। वर्तमान में 5 अगस्त को अभी धारा 370-35A हटा दी गई है तो निश्चय ही वर्तमान में हम महिलाओं की स्थिति में काफ़ी सुधार नजर आएगा। थैंक यू। धन्यवाद डाली जी फॉर द इंफॉर्मेशन। द नेक्स्ट स्पीकर वुड बी कुमारी आकांक्षा कुमारी फ्रॉम मध्य प्रदेश। द टॉपिक विल बी विलुप्त होती मधुबनी लोक कला की जीवंत रूप देती महिला इतिहासकार।